फैमिली फोटो फ्रेम। संडे का दिन था और गट्टू चिंकी आज पापा के फोन से खेल रहे थे। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तुम कब से गेम खेल रही हो चिंकी? लाओ अब मेरी चांस है। रुको ना गट्टू, बस 5 मिनट और, बस मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने ही वाली हूँ। तभी मम्मी बालकनी से आती है। उनके हाथ में कुछ सुंदर से फ्लावर्स थे। देखो जरा मैं कैसी लग रही हूँ। मम्मी ने बालकनी में लगे हुए प्यारे से फूल अपने बालों में लगा रखे थे। वाओ मम्मी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ मम्मी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ओ आइडिया, मम्मी ऐसे ही खड़ी रहना, मैं पापा के फोन से आपकी एक पिक्चर क्लिक करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारी मम्मी इतनी प्यारी लग रही है, उनकी एक फोटो तो बनती है। ठीक है गट्टू, चलो मैं पोज करती हूँ। गट्टू मम्मी की अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। ओ रुको रुको, मैं भी मम्मी के साथ पिक्चर क्लिक करवाऊंगी। फिर चिंकी भी जाके मम्मी के साथ खड़ी हो जाती है। मुझे भी एक फूल दो ना। हाँ हाँ ये लो चिंकी। मम्मी चिंकी के बालों में भी एक छोटा सा फूल लगा देती है। फिर चिंकी और मम्मी साथ में पोज करने लगते हैं। ओहो क्या बात है, दोनों क्या पोज कर रहे हो, वाह। अरे देखो कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है। अरे हाँ गट्टू सही कहा, फोटोज तो सच में बहुत अच्छी आ रही हैं। जब इतनी अच्छी फोटोज आ रही है तो एक काम करते हैं, चलो साथ में एक फैमिली फोटो लेते हैं। हाँ ये तो बढ़िया आइडिया है, चलो आ जाओ सब साथ में फैमिली फोटो लेते हैं। रुको रुको, मैं कैमरा सामने टेबल पे रख के टाइमर लगा देता हूँ। सब लोग बोलो चीज चीज। देखिए ना कितनी अच्छी फैमिली फोटो आई है। हाँ कितनी प्यारी फोटो आई है ये तो। मम्मी पापा गट्टू, मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना हम इस फैमिली फोटो को फ्रेम करा ले और फिर घर में किसी बढ़िया सी जगह पे लगा देंगे। हाँ हाँ चिंकी, मेरे मन में भी यही बात आ रही थी, चलो ऐसा ही करते हैं। आज मेरी छुट्टी है तो मैं शाम को जाके ये फोटो फ्रेम करवा ले आऊंगा। गट्टू चिंकी तब तक तुम दोनों मिलकर ये डिसाइड कर लो कि फ्रेम कहाँ लगाएंगे। ओके मम्मी। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। चिंकी इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, फ्रेम तो ड्राइंग रूम में ही बेस्ट लगेगा। अरे अरे ऐसे कैसे बेस्ट है, मम्मी ने हम दोनों से कहा है कि जगह डिसाइड करें, तो फिर तुम अकेले कैसे बोल सकते हो कि कौन सी जगह बेस्ट है। ओहो तो तुम बताओ तुम्हें कौन सी जगह पसंद है। मुझे लगता है कि फ्रेम हमारे रूम में लगना चाहिए, देखो वहाँ जगह भी खाली है। अरे कैसी बात कर रही हो चिंकी तुम, हमारे रूम में फ्रेम लगाने का क्या फायदा, वो फैमिली फोटो फ्रेम है, कोई मेरी तुम्हारी पिक्चर थोड़ी ना है। नहीं पर मुझे ड्राइंग रूम में फोटो फ्रेम नहीं लगाना। और मुझे हमारे रूम में नहीं लगाना। फ्रेम कहाँ लगेगा इस बात पे गट्टू और चिंकी आपस में झगड़ पड़ते हैं। अरे 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 ये क्या हो रहा है बच्चों, इतनी सी बात पे लड़ रहे हो। अरे प्यार से मिलकर डिसाइड करो ना कि क्या करना है, इसमें झगड़ा कैसा। गट्टू और चिंकी एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। तब पापा कहते हैं, देखो बच्चों अब मैं जा रहा हूँ फोटो फ्रेम बनवाने के लिए, जब तक मैं वापस आता हूँ तुम दोनों जगह डिसाइड करके रखना। ओके ओके पापा। बहुत देर हो गई और पापा फोटो फ्रेम लेकर वापस आ जाते हैं। आओ सब लोग चलो मिलकर देखते हैं कि फोटो फ्रेम कैसा बना है। फिर पापा फोटो फ्रेम को बॉक्स से निकालकर टेबल पर रखते हैं। वाह कितनी सुंदर लग रही है हमारी फैमिली पिक्चर। हाँ सही कहा, तो बताओ गट्टू चिंकी क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने, कहाँ लगानी है ये फ्रेम। अरे ये आप क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, ये तो तब से लड़ ही रहे हैं। अरे मैंने कहा था ना कि जब तक मैं आऊँ तब तक डिसाइड करके रखना, अब बताओ क्या करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा, आप ही कुछ बताइए। देखो ये फोटो खींचने की शुरुआत तुम्हारी मम्मी ने की थी, तो एक काम करते हैं ये फोटो फ्रेम कहाँ लगाना है ये तुम्हारी मम्मी ही बताएंगी। हाँ पापा ये बेस्ट रहेगा, मम्मी आप ही डिसाइड करिए कि फ्रेम कहाँ लगेगा। सबकी बात सुनकर मम्मी सोच में पड़ जाती है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो इस फोटो फ्रेम को घर के एंट्रेंस लॉबी में लगा दो, जैसे ही कोई गेट से अंदर आएगा उसकी नजर सबसे पहले इस प्यारी सी फैमिली फोटो फ्रेम पे जाएगी। वाह मम्मी क्या आइडिया है। हाँ मम्मी मैं भी आपके साथ हूँ, ये आइडिया पहले मुझे क्यों नहीं आया। अरे चिंकी मुझे भी तो नहीं आया ना।
इसीलिए तो मम्मी घर की बॉस है बच्चों। हाँ हाँ, थैंक यू बच्चों। चलिए फिर जल्दी से ये फोटो फ्रेम लगाते हैं, मैं नेल्स और हैमर लेकर आती हूँ। फिर मम्मी सारा सामान लेकर आती है और पापा को दे देती है। चिंकी भाग कर जाती है और एक डस्टिंग का कपड़ा ले आती है। क्या हुआ चिंकी, ये डस्टिंग का कपड़ा लेकर क्यों आई हो? मम्मी, मैं फ्रेम लगाने के बाद उसे इस कपड़े से अच्छे से साफ कर दूंगी और डेली मैं ये उसकी सफाई करूंगी। ओहो, वेरी गुड चिंकी। बच्चों पीछे हट जाओ, मैं फ्रेम को वॉल पे लगाने जा रहा हूँ, देखो किसी को कहीं चोट ना लग जाए। ओके पापा। फिर पापा फ्रेम को वॉल पे लगा देते हैं। सच में ये फ्रेम इस जगह पे सबसे बढ़िया लग रहा है। हाँ मम्मी, आपका आइडिया बेस्ट था। बच्चों तुम्हारी मम्मी ही बेस्ट है। फिर सब लोग खिलखिला कर हंस पड़ते हैं। ऐसे ही गट्टू चिंकी के घर में नई फोटो फ्रेम लग जाती है। गट्टू की नई वॉच। गट्टू को वॉचेस का बहुत शौक था और वो अक्सर पापा की वॉचेस पहनकर देखता था। एक दिन गट्टू ऐसे ही सुबह सुबह पापा की वॉच पहनकर खड़ा था। गट्टू बेटा, तुमने मेरी वॉच देखी है क्या? मुझे ऑफिस जाना है, मेरी वॉच कहीं नहीं दिख रही। हाँ पापा, ये रही आपकी वॉच, मैं पहन के देख रहा था। गट्टू बेटा, लगता है कि तुम्हें वॉचेस बहुत पसंद है। हाँ पापा, मुझे वॉच पहनना बहुत पसंद है। अच्छा बताओ गट्टू, तुम्हें किस तरह की वॉचेस पसंद है? गट्टू पापा को एक से बढ़कर एक वॉचेस मॉडल्स के नाम बताता है और उसकी वॉचेस को लेकर इतनी अच्छी नॉलेज को देखकर पापा हैरान रह जाते हैं। ठीक है गट्टू, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक नई वॉच दिलाऊंगा। गट्टू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर पापा अपने ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन गट्टू इस खबर को सुनकर इतना खुश था कि वो सारे दिन एक्साइटेड रहता है। वो जल्दी से मम्मी और चिंकी को ये गुड न्यूज सुनाता है कि उसे एक नई वॉच मिलने वाली है। अरे वाह गट्टू, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आखिर कौन सी वॉच लेनी है? अरे नहीं मम्मी, ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। तो गट्टू तुम जल्दी से सोच लो, क्योंकि शाम को तो तुम और पापा तुम्हारी वॉच लेने जाओगे ना। फिर गट्टू काम पे लग जाता है और तरह तरह की वॉचेस देखता है। इतना ही नहीं, वो अपने कई दोस्तों से भी पूछता है कि उसे कौन सी वॉच लेनी चाहिए। लेकिन शाम हो जाती है और अब तक गट्टू डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसे कौन सी वॉच लेनी है। फिर पापा भी आ जाते हैं। गट्टू बेटा, तो चले तुम्हारी नई वॉच लेने? पर पापा, मैं तो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया हूँ कि मुझे कौन सी वॉच लेनी है। अरे तो क्या हुआ गट्टू बेटा, चलो चलकर शॉप पर ही डिसाइड कर लेना। अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर गट्टू और पापा साथ में शॉप जाते हैं और वहाँ दोनों तरह तरह की वॉचेस देखते हैं। गट्टू ये देखो, ये वाली वॉच कैसी है, इसका डायल कितना अच्छा है ना? पापा, इसका डायल तो बहुत अच्छा है, पर इसका स्ट्रैप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा तो ये वाली देखो। पापा, इसका कलर कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। एक घंटा बीत जाता है पर गट्टू और पापा अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उन्हें कौन सी वॉच लेनी है। गट्टू बेटा, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम अभी तक अपनी वॉच नहीं सेलेक्ट कर पाए? नहीं पापा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। गट्टू और पापा दोनों परेशान हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर शॉप का मैनेजर आता है और उनकी सारी परेशानी सुनता है। सर, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारी शॉप पे एक लकी ड्रॉ हो रहा है, आप एक बार उसको ट्राई करिए और शायद उसमें आपको आपकी पसंद की वॉच मिल जाए। पापा और गट्टू को ये आइडिया पसंद आता है और दोनों लकी ड्रॉ खेलते हैं। चलो गट्टू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। गट्टू लकी ड्रॉ में एक बहुत अच्छी वॉच जीत जाता है और उसे उस वॉच पे 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है और गट्टू को वो वॉच बहुत पसंद आती है। गट्टू बेटा, तुम्हें ये वॉच पसंद आ गई है ना? हाँ पापा, इस वॉच का कलर, डायल, स्ट्रैप सब कुछ एकदम परफेक्ट है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। फिर पापा और गट्टू वॉच लेकर घर जाते हैं और गट्टू चिंकी और मम्मी को खुशी खुशी अपनी वॉच दिखाता है। उसके बाद गट्टू तुरंत भागकर अपने कॉलोनी के दोस्तों को अपनी वॉच दिखाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ जाता है। चिंकी, मुझे तो अपनी वॉच की बहुत चिंता हो रही है। क्यों गट्टू, क्या हुआ? अरे चिंकी, मैं अपनी वॉच को बहुत संभाल कर रखना चाहता हूँ, कहीं इस पे कोई स्क्रैच ना आ जाए।
गट्टू, फिर तुम एक काम करो, तुम एक छोटा सा बॉक्स तैयार करो ताकि जब तुम इस वॉच को ना पहनो तब तुम इसको संभाल के रख सको। हाँ चिंकी, ये अच्छा आइडिया है। फिर गट्टू कार्डबोर्ड से एक छोटा सा बॉक्स बनाता है और उसमें कॉटन भर के रखता है। फिर बहुत संभाल के अपनी वॉच को उसमें रखता है। फिर उस बॉक्स को संभाल कर कबर्ड में रख देता है। अरे गट्टू बेटा, ये तुमने अपनी वॉच को इतनी सिक्योरिटी के साथ क्यों रखा हुआ है? मम्मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वॉच को कोई भी स्क्रैच आए, इसीलिए मैंने उसे संभाल कर रखा है। मम्मी गट्टू की बात सुनकर हंस देती है और फिर अपने काम करने चली जाती है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। गट्टू अपनी नई वॉच को पहनता कम था और उसका ख्याल ज्यादा रखता था। पापा को गट्टू का ऐसा करना सही नहीं लगा। एक दिन वो गट्टू को टोक देते हैं। गट्टू बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी नई वॉच को पहनते कम हो और उसे संभाल कर ज्यादा रखते हो। ऐसा करना सही नहीं है। क्यों पापा, मुझे मेरी वॉच की चिंता है कि कहीं वो खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे संभाल के रखता हूँ। अरे पर गट्टू, अगर तुम उसे पहनोगे ही नहीं तो हमारा वॉच लेने का फायदा ही क्या हुआ? तुम्हें याद है चिंकी का जब नया डॉक्टर सेट आया था तब उसने उन्हें संभाल के रख दिया था। यूज ही नहीं किया था तब वो रखे रखे ही खराब हो गया था क्योंकि उसमें जंग लग गई थी। हाँ पापा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ गट्टू बेटा, पापा की बात मान लो, तुम अपनी वॉच को अच्छे से पहनो और जब उसमें कुछ भी दिक्कत होगी तब हम उसे ठीक करा देंगे। इस तरह से उसे रखो मत, बस उसे ध्यान से पहनो। ठीक है मम्मी, मैं अब से अपनी वॉच को रोज पहनूंगा और साथ में ध्यान भी रखूंगा कि वो खराब ना हो। इसके बाद गट्टू अपनी प्यारी वॉच डेली पहनने लगता है।